तो अभिषेक, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज की जो दुष्ट व्यवस्था है जी सर, इसमें हर कोई कष्ट में है, राइट राइट, सही बोल रहे हैं सर। और ढेर सारा भ्रष्टाचार है। आज एक भी काम जो है ना बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो रहा है। तो सही बात है। हमने कौन से नियम कानून अडॉप्ट किए, जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, भारतीय गुलामों को ठीक करने के लिए, क्रश करने के लिए बनाए थे, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही सबके सब कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं। रोक के रख दिए हैं, सही बात है। अच्छा, दूसरी बात हमें यह समझना होगी कि जो लाटसाबी व्यवस्था, जिसको हम प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था कहते हैं, ये लाटसाबी व्यवस्था भी वही है जो अंग्रेजों ने पैदा की थी, और उसका एक ही काम था कि भारतीयों का शोषण किया जाए, भारतीयों को क्रश किया जाए, भारतीयों में हीन भावना पैदा की जाए, उन्हें दोबारा उठने का मौका ना दिया जाए, उनका आत्मसम्मान खत्म कर दिया जाए, उनका एजुकेशन खत्म कर दिया जाए, उनका सब चीज खत्म कर दिया जाए। हाँ, तो वो बहुत जरूरी, वो जो है ना, अब वही नियम कानून आप पे थोपे हुए हैं, और जो ये लाट साहब लोग बैठे हुए हैं ये आपके लाट साहब हो गए हैं। आज आप किसी भी जो है ना अधिकारी के पास चले जाइए, वो अपने आप को लाट साहब से कम समझता है, सही बात है। वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा, वो आपके फोन पे नहीं आता है। आज आजकल जो है ना, इवन पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में एसपी फोन पे नहीं आता है, पीआरओ रखे हुए हैं। मतलब आम पब्लिक इज जस्ट नॉट अमेनेबल। लोगों ने जो है ना सीएम हेल्पलाइन की है, जिसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। राइट सर, 1010 जो ना, इसमें तो इसमें भी कोई 100 नंबर पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो राइट चारों तरफ दुष्टता बनी हुई है, लोगों के सही मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं, उनके सिर फटे हुए हैं, वहीं दुष्ट लोगों के भ्रष्ट, जो भ्रष्ट धन दे के और जो राजनेताओं का दबाव डाल के फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं। आपकी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, आपके विरुद्ध उल्टा मुकदमा कायम किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, और आपकी करोड़ों की जमीन औने पौने में ले ली जा रही है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो सही बात है, राइट राइट राइट, करेक्ट है। ये बहुत ज्यादा जो है ये व्यवस्था है, और इसमें यदि हम इन्हीं के पास जाएंगे तो हमें कोई न्याय नहीं मिलना है। तो हमने एक सिस्टम मॉडल डेवलप किया है कि लोगों को जोड़कर हम 21 लक्ष्यों सहित हमने पूरे भारत को परिवर्तित करने के मॉडल बना के रखे हैं। ये भारत जो है टैक्स फ्री हो जाएगा, ये भारत की एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो मॉडल है जो कह रहा है किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, क्राइम फ्री भारत का एक आयुष मॉडल है जो कह रहा है पूरा भारत निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा, क्राइम फ्री भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है जो कह रहा है कि हमारे जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके डिजाइनर हाउस बन जाएंगे और उन्हें कहीं से कर्ज नहीं लेना होगा। एक ऐसी राइट ऐसी उसमें व्यवस्था की गई है कि उसके अपने ही में जो उसके दो अकाउंट रखे गए हैं, एक अकाउंट को अर्निंग अकाउंट कहा गया है, दूसरे को कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहा गया है। तो यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आप चेक जारी करते हैं, तब भी आपका चेक डिसऑनर नहीं होगा। आपके जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में से उतना अमाउंट डेबिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको क्लियर कर दिया जाएगा, और इसके लिए आपको कोई ऋण नहीं लेना पड़ रहा है। यदि आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में लगातार डेबिट हो रहे हैं, तो क्राइम फ्री भारत की एक टीम आपके पास पहुंचेगी कि अभिषेक बैठो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, वी विल सेटल योर ऑल प्रॉब्लम्स, वेदर इट इज टेक्निकल, वेदर इट इज स्किल्ड मैन पावर की है, रॉ मटेरियल की है, मार्केटिंग की है, वट एवर द प्रॉब्लम दैट विल बी सॉल्व। तो क्राइम फ्री भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, क्राइम फ्री भारत में रिजर्वेशन नहीं होगा, फ्री भी नहीं होगी, दारू नहीं होगी, फालतू की चीजें नहीं होंगी, और क्राइम फ्री भारत ने एक मॉडल डेवलप किया है जिसमें चुनाव जो है आप पोलिंग बूथ पे ना हो के ऐप से होंगे, और वो आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे, ऐसा जो है ना सिस्टम होगा। तो अभिषेक, इसमें अपन बात बाद में करेंगे, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक के माध्यम से आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, और जुड़ जाएंगे तो मुझे एक हेलो मैसेज जो भेज देना के जो है ना अपना आईडी भेज देना मुझे, और मैं जो है ना इसके बाद आपको एडमिन राइट ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक सर। राइट। और उसमें ऐप के माध्यम से उसमें आप सीधे बात कर सकते हैं, तो उनको फोन पे लेके बात करिए कि मैं टेक्निकल बंदा हूँ, क्राइम फ्री भारत मिशन का डीजी साहब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। 1 महीने से डीजी साहब खुद जो है ना मीटिंग क्यों नहीं ले पा रहे हैं, जब आपको मालूम है कि क्राइम फ्री भारत देश को बदलने की बात कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप उनको, अपन को घेरना पड़ेगा उनको। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका आइडिया पहला वाला सही है कि हम अपनी ऐप लेके ना खुद अपने राइट्स ले लेते हैं उसके, क्योंकि अगर हम किसी के दबाव में, अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर आएगा सर,
अब वहां से सारे मैं बंद हो गए वही हमारे मैं लिए। वही कह रहा हूं कि ये दुष्ट डरे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री सहित सभी राजनेताओं के सिंहासन हिल रहे हैं और ये सब दुष्टता के तहत किया जा रहा है। तो हम ये काम अभी अपने फुटी से खुद कर लें, अपना क्या दिक्कत है इसमें। वही तो मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल टीम से, और नहीं, मैं आप आपको टेक्निकल टीम से अलग बात करिए, मैं जो है ना आपको लिंक भेज रहा हूं, तो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, अपने टेक्निकल टीम और बाकी लोगों को भी मेंबर बनाइए। देखिए, परिवर्तित भारत हर किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है सर, राइट तो फिर अब वो परिवर्तित भारत जब आपके पास में है, तो इन दुष्ट राजनेताओं के पास क्यों जाना है, राइट करेक्ट है। जो जो खुद दुष्ट हैं, जिन्होंने उस समय जो है ना सत्ता का हस्तांतरण लिया जब अंग्रेज डरे हुए थे और भागने वाले थे। ये इतने दुष्ट लोग हैं कि इन्होंने अपने लाभ के लिए देश को दो भागों में बांट दिया। ये जो जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं वो सब झूठी हिस्ट्री है। आई नो द वेरी ग्रेटर एंड फाइनर डिटेल्स, जिनको मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में कहता हूँ। आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो मेरे आपको 3800 वीडियोज मिलेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा। और सीधा डिटर्मिनेशन, हम कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त इस चीज को बदल देंगे। हम इन राइट इन इन दुष्ट राजनेताओं के पास क्यों जाके इनको ज्ञान दें, क्यों हम कोर्ट में जाएं? हम तो कोर्ट के सिस्टम को बदल देंगे, इनमें तो औकात ही नहीं है। राइट सर, राइट राइट तो फिर हम सबको जोड़ के काम करें ना। और ये राइट हमारे वोटों के ठेकेदार क्यों बने? राजा महाराजाओं जो है ना कौन होते हैं? इन्होंने जो ना शुरू में किसको टिकट दिए? राजा महाराजा जमींदार जो शोषक थे कि नहीं थे? और सही अब बात जो है है। ना अपराधियों और बलियों बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं। तो ये राजनेता तो सब दुष्ट हैं, इनका ना कोई चरित्र है, ना सोच है, ना चिंतन है, ना देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। सिर्फ जुमलागिरी करके लोगों को मूर्ख बना के सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। अब इनका दिन लद गए हैं। अभिषेक, जुड़ जाओ, हम संकल्प करते हैं, हम चंद दिनों में जो है ना स्थितियों को ग्राउंड पे बदल देंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे कमटेड जो है ना अच्छे लड़कों को जो उनको जोड़ो अपने साथ, उनको पदी जिम्मेवारी बांटो और बाकी सब लोगों को टीमों को जोड़ो। हम जो है ना चंद दिनों में इस देश को बदल देंगे। ठीक सर, आप आप बिल्कुल मोटिवेटेड फील कर रहे हैं? हाँ सर, राइट राइट है, यू आर राइट। ये सिस्टम तो इंडिया का खराब हो ही चुका है, और उनसे बोलने से कुछ नहीं होता है। कंप्लीटली अग्री विद यू। मैं खुद यहाँ पे सोच के आया था कि इंडिया की मतलब कानून व्यवस्था सही होगी, सब कुछ होगा, पर यहाँ कुछ नहीं है। सब बोले बोला जा रहा है, और ये अगले 100-150 सालों तक तो और चलता रहेगा। ये कुछ इंसान नहीं चलेगा यदि अभिषेक आप जैसे बच्चे जो ना जुड़ जाएं, तो मैं गारंटी देता हूं चंद दिनों में सब चीज बदल जाएगी। ठीक नहीं, सर है ना? मैं करता हूँ, मेरे पास ग्रुप ग्रुप भी है वहाँ पे, मैं लोगों को चलिए, तो हम इन्फॉर्म आपसे बात करते हैं और इसको जो ना अभी आपको हम तत्काल एक लिंक हमने ऑलरेडी SMS में भेज दिए, जरा चेक करो और उसके माध्यम से आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फिर मुझे मैसेज भेज दीजिए कि जो ना मैंने कर लिया है, मेरा आईडी ये है, राइट? ठीक है। तो मैं उसको जो है ना एडमिन राइट दे दूंगा। ठीक है, राइट मैं अभी आपको मैं करता हूँ, मैं राइट मिल गया, मुझे लगता है। हाँ राइट मुझे राइट मिल गया। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत सर।